हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हम घर पर कैसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं पेडिक्योर। इस वीडियो में हम अपने पैरों की बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, पेडिक्योर करेंगे। जो भी आपका टैन होता है पैरों का, वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। सो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर के पिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हम टैनिंग को अच्छे से रिमूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई वीडियोस के साथ, एंड इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, वार्म वाटर। एंड ये आपको पानी इतना लेना है कि इसमें आपके जो पैर हैं वो डिप हो जाए। तो इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले 2 टीस्पून के आसपास मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। एंड देन मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून के आसपास नमक। तो 2 चम्मच आपको बेकिंग सोडा डालना है एंड 2 चम्मच ही आपको नमक डालना है। देन मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का नींबू डालूंगी। तो आधा नींबू मैंने अभी डाल दिया है, आधा नींबू मैं इसमें और डालूंगी। तो ये नींबू डाल दिया है। एंड देन नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं आपकी पसंद का, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। देन मैंने इसमें 2 to 3 teaspoon के आसपास शैम्पू डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, पानी को, सोडा और नमक शैम्पू को अच्छे से। तो अब हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने पैरों को डिप करेंगे इसमें कम से कम 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं जो टैनिंग है, जो चप्पलों के निशान हैं, वो पैरों पे हो रखे हैं। तो अब हम इसको डिप करेंगे 10 मिनट के लिए एंड हमारा जो टैन है बहुत अच्छे से रिमूव होगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद मैं अपने पैरों को पानी से निकाल लूँगी एंड अब हम करेंगे पैरों की क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग। सो अब हम स्क्रबिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग के लिए जो मैं इक्विपमेंट्स यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही कम इक्विपमेंट्स हैं जो नॉर्मली सभी घर में होते हैं। नेल कटर, फाइलर एंड नॉर्मली जो स्क्रबर होता है वो, जिससे हम एडी रगड़ते हैं वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेल्स हैं उनको अच्छे से कट कर लेंगे। पानी में डिप करने के बाद जो नेल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आप उसे आराम से कोई भी शेप दे सकते हैं उनकी। हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे दोनों पैरों के नेल्स की। तो इस तरह से काटेंगे। सो फ्रेंड्स, दोनों पैरों के मैंने जो नेल्स हैं उनको काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, फाइलर का यूज़ करेंगे एंड इस तरीके से जो साइड में जो मैल हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से नाखूनों के चारों तरफ हम अच्छे से जो भी साइड में मैल होता है उसको निकाल लेंगे इस फाइलर की हेल्प से एंड ऊपर से इसको फाइल कर देंगे नेल को अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमें सारे जो भी नेल्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करना है, उनकी साइड्स को क्लीन करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ नेल को। तो इसका पॉइंट यूज़ करके जो भी नेल की साइड्स हैं उनमें से जो भी गंदगी है वो आप निकाल लें एंड फाइलर की हेल्प से नेल को अच्छे से शेप दे दीजिए। इस तरीके से हमें दोनों पैरों के जो भी नेल्स हैं उनको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। कम से कम 5 मिनट लगेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए जो भी नेल्स हैं उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, शेप दे दी है उनको एंड उसके बाद मैंने उनको वॉश कर दिया था। तो आप देख सकते हैं नेल्स के चारों साइड से जो भी गंदगी थी वो निकल चुकी है, तो नेल्स बिल्कुल क्लीन है हमारे। एंड अब हम करेंगे अपने पैरों की स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है 2 से 3 चम्मच के आसपास। इसमें मैं अब डालूँगी शहद। सो 1 चम्मच के आसपास मैं इसमें डालूँगी शहद एंड देन मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध। 1 से 1.5 चम्मच के आसपास मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। ये स्क्रब अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पैर जो है उनकी टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होगी, बहुत अच्छे से उनकी गंदगी निकल जाएगी। तो ये हमारा होममेड स्क्रबर रेडी है, ये हमारा तैयार। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने पैरों पर। इनको हमें अच्छे से स्क्रब करना है पैरों को। थोड़ा थोड़ा अमाउंट मैं लूँगी और मैं दोनों पैरों पर इस स्क्रबर से स्क्रब करूँगी अपने पैरों को, इस तरीके से अपने एड़ियों पर, पैरों पर, हर जगह आप इस स्क्रबर को अच्छे से अप्लाई कीजिए। देन मैं यूज़ करूँगी स्क्रबर का। आप कोई भी स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है। ये नहीं तो ये जो नॉर्मल जो झावा जिसे बोलते हैं वो वाला, आप अच्छे से जो एड़ियाँ हैं उनको अच्छे से स्क्रब कीजिए ताकि उनकी जो डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो कम से कम 5 मिनट के लिए आपको अच्छे से स्क्रब करना है अपने पैरों को इस स्क्रबर से। एंड आप देख सकते हैं जो चप्पलों के निशान हो जाते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से उनको क्लीन करना है। अपनी उंगलियों के बीच में इस तरीके से मसाज कर आपको अच्छे से क्लीन करना है अपने दोनों पैरों को। तो 5 मिनट तक आपको मसाज करनी है स्क्रबर से इस तरीके से।
सो फ्रेंड्स, 5 मिनट तक स्क्रब करने के बाद अपने पैरों को, अब मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लेंगे 2 चम्मच के आसपास मीठा सोडा, देन मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। अब हम नींबू के छिलके की ही हेल्प से इसको मिक्स करके अपने पैरों पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके पैरों की जो भी एक्स्ट्रा टैनिंग होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी एंड आपके जो पैर हैं वो सच में सीरियसली 100% बहुत अच्छा ग्लो आएगा उनके अंदर। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इससे आपके पैर सच में बहुत ही सुंदर हो जाएंगे आपके पेडिक्योर के बाद। तो 2 मिनट तक हमें अच्छे से मसाज करनी है नींबू और मीठे सोडे के मिक्सचर के अपने पैरों पर। सो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने पैरों को क्लीन कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है एंड आप देख सकते हैं मेरे जो पैर हैं वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, नेल्स बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब हमें जस्ट इस पे एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वैसलीन का बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हम अच्छे से ऊपर नीचे एड़ियों में अच्छे से अप्लाई कर देंगे पूरे पैरों पर इस मॉइस्चराइज़र को। तो ये देखिए, अब मैंने अच्छे से इसको मॉइस्चराइज़ कर लिया अपने पैरों को, देन मैं अब इस पर अप्लाई करूँगी नेल पेंट। आप अपनी पसंद की कोई भी कलर की नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर की नेल पेंट यूज़ कर रही हूँ। देन अब मैं इस पर नेल पेंट लगाऊँगी अपने दोनों पैरों के नेल्स पर इस तरह। सो फ्रेंड्स, नेल पेंट अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पैरों में एक अलग ही ग्लो आ गया है। आपने पहले पिक देखी थी बिफ़ोर एंड आफ्टर की, तो इस तरीके से अगर आप अपने पेडिक्योर करेंगे घर पर, अपने पैरों की सफाई करेंगे, तो आपके पैर बहुत ही क्लीन एंड सुंदर दिखेंगे। आप महीने में 1 या 2 बार इसको कर सकते हैं घर पर। एंड मैंने ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करी, घर की चीज़ों से ही ये पेडिक्योर किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पेडिक्योर को अपने घर पर। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।